कुंजी का शब्द अर्थ चाबी। बाबा लोगों ने अब तक सबके भेजे में ये शब्द डाल दिया, कुंजी का शब्द अर्थ चाबी। मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सब लोगों से प्रश्न किया था, जितने बड़े बड़े बाबा, इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो तो देख लिए, कुंजी का स्तोत्र, जो जीवन में कभी भी कुंजी का स्तोत्र का पाठ किया नहीं, जो कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हुए बीज मंत्र को बोलते हुए हकलाएगा, वो भी कुंजी का स्तोत्र के ऊपर ज्ञान दे रहा है, कुंजी का शब्द अर्थ चाबी। तो इसी विषय में आगे थोड़ा बहुत चर्चा करने के लिए आज का वीडियो बनाया हो, एक मोटिवेशनल टाइप का वीडियो है। जो तंत्रो शिक्षार्थी है, जो तंत्रो को शुरू कर रहा है, तंत्र फॉर बिगिनर्स शब्द जिनके आगे लगेगा, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। देखिए, समझिए, पसंद आए लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे पहुँचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसीलिए वीडियो को लाइक और पूरा वीडियो को देखने का कष्ट करें। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल पर स्वागत करता हूँ। कुंजी का स्तोत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा, ये शब्द उल्लेख क्यों किया? कुंजी का स्तोत्र सिद्ध नहीं होगा, मैं प्रश्न किया था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। किसी ने बोला नहीं जी हां गुरु जी, मेरा कुंजी का स्तोत्र सिद्ध है, मैं अपने कुंजी का स्तोत्र के द्वारा मारणंग मोहनंग वसन मारणंग मोहन मारन मोहन वशीकरण स्तंभनादि उच्चटादिकम सभी कर्म को मैं कर रहा हूं या कर पा रहा हूं या किया हूं, सिद्ध हुआ है, या मैं देखा हूं मेरे अमुक अमुक गुरु है, सीनियर कोई व्यक्ति है, वो इस कुंजी का स्तोत्र के माध्यम से मारन मोहन वशीकरण स्तंभनादि सभी स्तंभनादि सभी कर्म को संपन्न कर पाया या कर रहा है अभी भी। ऐसा कोई उदाहरण तो मेरे चैनल के व्यूअर्स ने नहीं दिखा दिया, हो सकता है आगे कोई आकर बोले, ठीक है, तो फेक कोई चीज आकर ना बोले। अगर कोई कर रहा है, कर पा रहा है या देखा है अपने आंखों से, तभी आकर बोले। तो मुझे विश्वास है कोई आकर बोलेगा नहीं, सबसे बड़ा बात है कोई आकर बोलेगा नहीं। कुंजी का स्तोत्र का पाठ तो बहुत सारे लोग करते हैं। सबसे पहले मैं कुंजी का स्तोत्र के पाठ के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। कुंजी का स्तोत्र बंगाल में हम लोग, मेरे परंपरा में, मेरे गुरुजी का दिया हुआ जो कुंजी का स्तोत्र है वो अलग है। बाहर में बोला जाता है गौड़ी तंत्रे रुद्र जामले गौड़ी तंत्रे कुंजी का स्तोत्र संपूर्णम। रुद्र जामुल गौड़ी तंत्रों का कुंजी का स्तोत्र बंगाल में हम लोग पाठ करते हैं, मैं पाठ करता हूँ, बाकी क्या बंगाल में कौन क्या पाठ करता है मुझे पता नहीं। मेरे परंपरा में मेरे गुरु भी यही कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते थे, गौड़ी तंत्र रुद्र जामुले। मैं भी उनसे यही कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना सीखा। वो जैसे पाठ करते थे मैं भी वैसे ही पाठ करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनके जैसे पाठ करने का, ठीक है। तो बाहर जो कुंजी का स्तोत्र है उनका, उस कुंजी का स्तोत्र का मैं थोड़ा बहुत टच करके जाना चाहता हूँ, ताकि सब लोगों को थोड़ा इस विषय में समझ आए। तो कुंजी का स्तोत्र ध्यान से देखिएगा, कुंजी का स्तोत्र ऊपर का हिस्सा, ठीक है, देखिए, सिनु देवी प्रवक्षामी कुंजी का स्तोत्र उत्तमाम जन मंत्र प्रभावे न चंडी जपं शुभम भवेत न कवजंग न अड़गला स्त्रोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सुक्तंग नापिधैनम चरणयसम न चवाहर्चनम। देखिए, इस कुंजी का स्तोत्र बंगाल का जो कुंजी का स्तोत्र है, बाहर का कुंजी का स्तोत्र, स्टार्टिंग या बीच बीच में कोई भी शब्द कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। जैसे चंड घाटी, हम लोग चंद घाटी बोलते हैं, वहां पे चंद्र कुछ और दूसरा कुछ बोला जा सकता है। तो मैं बाहर में जो कुंजी का स्तोत्र चलता है, तो वही कुंजी का स्तोत्र, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र शिबुवाद से शुरू करके मैं बोला। जैसे यहाँ पे मंत्र है ओं एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय बिच्चे ओं ग्लोंग हुंग क्लिंग जुंग सा, ठीक है, ये जलो जलो जला, ये सब जो मंत्र है हम लोग दूसरा मंत्र बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो मंत्र है वो बाद में आपको सुनोगा, हम लोग जो मंत्र बोलते हैं वो दूसरा मंत्र है। इसका सबसे मूल जो विषय है उसे देखिए, सबसे मूल जो विषय है पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खोंग खेचरी तथा म्लांग म्लिंग मूल विस्तीर्ण कुंजी का वही नमो नमः सांग सिंह सप्तसती दिव्या मंत्र सिद्धि कुरुस्वे इदंत कुंजी का स्तोत्र मंत्र जागृति हेतवे नौ भक्त नौ चवदब्बं गोपी तंग रक्ष पार्वती इत्यादि इत्यादि। तो ये जो पांग पिंग बोलकर इसको समाप्त कर दिया गया,
जो विषय में आप लोगों को समझाना चाहता हूं इसका आगे इसका बीच का अंश कहा गया। देखिए ये जो कुंजी का स्तोत्र बोला है, मैं गूगल से कुंजी का स्तोत्र देखकर पाठ कर रहा हूं, तो कुंजी का स्तोत्र यहां पे बोला ओंकोंग चोंग टोंग तोंग पोंग सांग विद्रंग सांग विद्रंग, नहीं नहीं भूल, ओंकोंग चोंग टोंग तोंग पोंग हंस खंग जीव जीवाग्र जी नहीं भूल हो रहा है, ठीक है मेरे से, ठीक है मैं तो दूसरा करते इसलिए थोड़ा मेरे से भूल हो रहा है, ओंकोंग चोंग टोंग तोंग पोंग दुंग एंग ब्लिंग हंस खंग हंस खंग धीजाग्र धीजाग्र त्रोटय त्रोटय दीप्त कुरुकुरु स्वाहा। तो ये जो है अपना और यहाँ का बहुत ज्यादा अमिल है, माने बहुत ज्यादा अंतर है अपने में, क्या है ओंग ओंग कोंग चोंग टोंग तोंग पोंग सांग विदुरांग विमर्दय विमर्दय हंस खांग सिंग सिंग जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय जम्ब जम्ब दीप दीपय मोचय मोचय हुंग फट जांग बौसा रोइंग रिंग क्लिंग रंजय रंजय संजय संजय गुंजय गुंजय बंधय बंधय ब्रांग ब्रिंग भरे बद्धे शकुंच शकुंच संचल संचल त्रोटय त्रोटय म्लिंग स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खे चरी तथा म्लांग म्लिंग मूल विस्तृण कुंजिका वै नमो नमः सांग सिंग सप्तसती दिव्या मंत्र सिद्धि कुरुस्मे ई दंत कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते न चतुर्दब्बं गोपितं रक्ष पार्वती विहीनां कुंजिका दिव्यस्तु सप्तसती पठेत न तस्य जायते सिद्धि अरण्य रोहितं यथा रुद्र जामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम। अभी समझे मैं किस लिए अभी पूरा पाठ किया, पूरा कुंजी का स्तोत्र पाठ अगर करूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, पार्ट बाय पार्ट अगर मैं समझाने के लिए जाऊंगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मूल जो विषय में जो पॉइंट छेड़ कर बात किया इसमें ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट को मैं छेड़ा था शुरू में जो छेड़ा, जो कुंजी का शब्द अर्थ है चाबी, तो इसका ताला कहाँ पे है, इसका ताला का उदाहरण कुंजी का स्तोत्र में ही दिखता है। देखिए कुंजी का स्तोत्र बोल रहा है क्या, विहीनं कुंजिका दिव्यजस्तु सप्तसती पठेत, यानी कि जो कुंजिका स्तोत्र को ना जान के कुंजिका स्तोत्र को ना समझ के कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके बिना पाठ किए अगर न तस्य विहीनं कुंजिका दिव्यजस्तु सप्तसती पठेत न तस्य जायते सिद्धि अरण्य रोहितं यथा, यानी कि सिद्धि उसका अरण्य में रोदन करता है यानी कि क्रंदन करता है रो रहा है, जो कुंजिका स्तोत्र को ना जानकर ना समझकर ना पढ़ करके सप्तसती का पाठ करता है। सबसे पहले कुंजिका का पाठ करना चाहिए सप्तसती में, उसके बाद सप्तसती का पाठ करना चाहिए, हम लोग ऐसा ही करते बाहर क्या कैसा करते हैं क्या गुरु किसको कैसा सिखाया मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हुए सप्तसती चंडी में आगे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर शास्त्र में का बात माने, पाठ तो बहुत ज्यादा हुरूर करके पाठ कर दिया, लेकिन जो सुना रहा है जो देवी बोल रहा है शुरू जो देव बोल रहा है शुरू में महादेव उवाच हम लोग पढ़े तो महादेव ये बोल रहा है विहीनां कुंजिका दिव्य, जो कुंजिका को छोड़कर सप्तसती को पाठ करता है तो कभी भी उसका सिद्धि नहीं हो सकता, सिद्धि उसका अरण्य में रोदन करता हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये इसका कुंजिका ताला, कुंजिका चाबी और ताला है सप्तसती, तो ताला और चाबी को मैं मिला दिया। तो कुंजिका और ताला और चाबी को मिलाने के बाद जो मेरा दूसरा पॉइंट था, चाबी कौन दिया क्यों दिया, चाबी देने का पीछे कोई लॉजिक तो होगा, तो चाबी क्यों दिया, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कभी भी कुंजिका स्तोत्र सिद्ध नहीं होगा। कारण क्या है, चाबी जो दे रहा है क्या वो चाबी देने वाला चाबी देने का लायक है, पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, जो चाबी दे रहा है क्या वो व्यक्ति को कुंजिका स्तोत्र का अधिकार मिला था अपने गुरु से, क्या कुंजिका स्तोत्र को जागृत करने के लिए विधिवत आचार अनुष्ठान वो व्यक्ति कभी किया है। पाठ तो सारे भारत के बहुत सारे लोग 140 करोड़ लोगों में मोटा मोटी मैं मानता हूं 50% लोग कुंजिका स्तोत्र का पाठ कभी ना कभी जीवन में किया है, बीच में छोड़ दिया है, देखा जा मारन मोहन वर्षन कुछ भी संबंध कुछ भी सिद्धि नहीं हो रहा है तो चलो भाई इसको छोड़ के हटाओ, ठीक है कुछ भी सिद्धि नहीं हो रहा है। तो शास्त्र ने बोला है कुंजिका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, स्टार्टिंग में बाबा बोलेगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इसको कुर करने के लिए स्टार्टिंग में बोला गया है, जैसे में सब मैंने बाबा लोग गलत नहीं बोलते, बाबा लोग को बाबा लोग दिखाते हैं
ये भाई और बहन ये करो, इससे बहुत रातों रात तुमको चमत्कार मिल जाएगा। तो शास्त्र में बोला गया न कवच नरगलास पुत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि धैनं चरणस न च वर्चनम कुंजिका पाठ मात्रे न दुर्गा पाठ फलं लभेत अति गुज्जतरं देवी देव नामपि दुर्लभम। शास्त्र ने बोला बाबा लोग बोला चमकाने के लिए, बाबा लोग बोलते इसको कुछ करने का जरूरत नहीं, कुछ करने के मंत्र ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी, इत्यादि 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 कहानी कहानी सुना दिया। अभी भक्त लोग बाबा के लोगों का बात सुनकर बाबा तो पूरा चौंक गया। तो बाबा ने बोला है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ऑटोमेटिक सिद्ध है, पाठ करने का जरूरत जैसे जैसे सावर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी का। अरे गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्यनाथ जी जब उनको महामृत्युंजय संजीवनी विद्या का जाप दिए थे तो बोला था गोरख मैं सुबह को निकल रहा हूँ भिक्षा करने के लिए, ठीक है, जब तक मैं ना हो कंटिन्यूअसली मंत्र का जाप करते रहना, ठीक है। गोरखनाथ जी के कथा में ये मिलेगा। तो गोरखनाथ जी कंटिन्यूअसली इस मंत्र का जाप कर रहे थे, तो सिद्ध मंत्र है, तो उनका गुरुदेव तो नारायण का पूर्ण अवतार है, ठीक है। मत्स्यनाथ जी तो नारायण का पूर्ण अवतार होने के बाद भी शिव को मंत्र दिया और बोला जब तक मैं ना उसका निरंतर जाप करते रहे ना, उसके बाद जाप करते करते वो बच्चा लोगों का एक पुतला बनाने के लिए एक मिट्टी से पुतला बनाया और पुतला जीवित हो गया। इसका आगे का कहानी में नहीं जाता। तो मंत्र को उनको भी जागृत करने के लिए समय व्यतीत करना पड़ा। तो वर्तमान समय में लोग इतने ज्यादा भगवान टाइप का बन गए तो मंत्र तंत्र सिद्धि करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया बाबा ने बोला मंत्र सिद्धि है तो बाबा का जय जयकार करते हो संकल्प ये सब कहानी करते हुए बाबा लोगों का दीवाना फैन बन के ये लोग मंत्र तंत्र को छोड़कर ये लोग बैठ गए। सिद्ध कुंजिका यानी सिद्धि है, ऑटोमेटिक सिद्धि, पाठ करने से मारण मोहन वशीकरण सब होगा। तो घंटा कुछ भी फायदा किसी को नहीं हुआ आज तक, होगा भी नहीं। इसका कारण भी मैं बता रहा हूं कैसे नहीं होगा। तो कुंजिका स्तोत्र में सब कुछ दिया गया है। कुंजिका स्तोत्र के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए कम से कम एक घंटा चाहिए, तो एक घंटा वीडियो देखने के लिए किसी का मन में धैर्य नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है मेरे चैनल के दर्शक, मैं कुछ दो दिन पहले एक फोटो से वशीकरण का वीडियो डाला, 12-12.5 मिनट का वीडियो है, लोग उसको 3.5-4 मिनट 10 सेकेंड वीडियो को वॉच किया। उसके बाद मैंने सबसे आश्चर्य और सबसे कार्टून वाला बात हुई है कॉमेडी वाला, लोग अगर कमेंट बेशरम तक मैंने हद पार कर देते हैं, लोग अगर कमेंट करते हैं गुरुजी आपने तो यंत्र दिया नहीं। इतने मूर्ख पब्लिक भारत में अभी भी जीवित है जो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये देखता नहीं है जे ये बाबा पूरा वीडियो बना दिया यंत्र नहीं दिया। इतने मूर्ख पब्लिक अभी भी जीवित है भारत में। इन लोगों को मैं कौन से शब्द में संबोधन करूं, कौन से शब्द में संबोधन करो। कभी फेस टू फेस मिलता तो मैं फोटो बना के रखता इन लोगों का फ्रेम में बारी बारी से, महामूर्ख नंबर 1, महामूर्ख नंबर 2, महामूर्ख नंबर 3 और मूर्खातिमूर्ख नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको ऐसे भी बोल सकते, इससे ज्यादा बहुत शुद्ध भाषा मेरे पास नहीं, इससे ज्यादा बहुत अशुद्ध भाषा मेरे पास है। कभी फेस टू फेस इन लोगों को मिलना तो मैं इन लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। यही चीज आप लोग हमें बोले, जो भी जिसका भी कंटेंट देखे धैर्य पूर्वक ईयरफोन लगाकर समझ ले, उसके बाद कंटेंट को इच्छा हो तो अप्लाई करें, प्रयोग कर सकते हैं। अनुष्ठान यानी कि कोई भी टोटका, कोई भी पूजा, कोई भी कर्म, इसको अनुष्ठान बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्तोत्र सिद्ध क्यों नहीं होगा, शास्त्र में क्या बोला, मैं अपने हिसाब से बना के नहीं बोला। कुंजिका स्तोत्र का अधिकार किसने दिया, कुंजिका स्तोत्र किताब में दिखा, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने बैठ गए लोग, कौन अधिकार दिया कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये कुंजिका स्तोत्र का तुमको पाठ करने का अधिकार किसने दिया, ये सबसे पहले सोचो। क्या तुम्हारा गुरु ने कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का विधि नियम हाथ पकड़ के सिखाया, गुरु अनुमति दिया जी हाँ बेटा आज से कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान तू करना शुरू कर और कुंजिका स्तोत्र के विधि नियम से अनुष्ठान शुरू कर। सबसे मन में सबसे पहले ये प्रश्न करो, जो भी कुंजिका स्तोत्र का आज का ये एपिसोड वीडियो देख रहे हैं उसमें से मैं अगर 100 लोग भी वीडियो देखते हैं या 100 लोग का एवरेज को मान के चलो, उसमें से 98% लोग ऐसा होगा जिसका गुरु ने कुंजिका स्तोत्र का अनुमति नहीं दिया, वो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे किया और उसमें कुंजिका स्तोत्र में उसको 0 फल मिला। बाद में कुंजिका स्तोत्र को ऐसे काफी सारे लोग बाद में कुंजिका स्तोत्र को स्किप करके दूसरे स्तोत्र में चले गए। दूसरे स्तोत्र में जाने से भी वही फायदा होगा, जब तक गुरु अनुमति नहीं, ये तंत्र है, ये सावड़ नहीं,
ये तंत्र है, तंत्र में हर समय गुरु का आदेश, गुरु का अनुमति, कुल का नियम आचार को पालन करते हुए जाना है। इसमें जो मंत्र है भ्रांग भ्रिंग भूम भैरव भद्दे सकुंच सकुंच संचल संचल, ये सोच सकते हैं ये कितना जटिल मंत्र है, कितना जटिल ये शब्द है। इसमें धांग धिंग धुर धुट धांग धिंग धुम धुट जुटे पत्नी बांग भिंग भूम बागेश्वरी तथा क्रांग प्रिंग कुंग कुंजिका देवी सांग सिंह सुशुभंकर होम 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 कार रूप वही जांग जिंग जुंग भावना दिनी भ्रांग भ्रिंग भूम भैरव भद्द भवन नहीं ते नमो नमा ओम अंकं छोड़िए। तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये सभी तांत्रिक बीज मंत्र है। अलग अलग बीज मंत्र से अलग अलग कर्म या अलग अलग प्रयोग को संपादन करने का विधि तंत्रों में दिखता है, लेकिन किसी भी किताब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर चर्चा कोई भी नहीं करेगा। कारण उसको पता ही नहीं कुंजिका सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये प्रयोग, ये तंत्र अभी तक गुप्त है, इसके लिए कोई किताब नहीं, इसलिए कुंजिका सूत्र बचा हुआ है। नहीं तो कुंजिका सूत्र का भरपूर दुरुपयोग होता, भरपूर दुरुपयोग कुंजिका सूत्र का होता। अभी कुंजिका सूत्र का आदेश उपदेश लेने का जगह कौन सा है ये देखिए। शास्त्र में बोला है महादेव, मैं नहीं, देवाधिदेव महादेव, हर हर महादेव बोल रहा है। अभक्ते न चदतव्यं गोपितं रक्ष पार्वती, फिर से बोल रहा हूं, अभक्ते न चदतव्यं गोपितं रक्ष पार्वती, यानी कि हे देवी, जिसको भक्ति है, जो श्रद्धाशील है, जो नेक है, जो गुरु से प्रेम करता है, उसी को ये स्तोत्र का, ये तंत्र का, इस मंत्र का उपदेश तुम आगे करना। आया समझ में? जो मैं बोला इसको लेकर आज तक कभी किसी ने नहीं बोला, इसलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जवान ही मुंह में ही सिद्धि देने के लायक बन के रह गया। कभी भी असलियत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्धि नहीं देता है। हम लोग जब भी अनुष्ठान करते हैं कुंजिका स्तोत्र और कुंजिका स्तोत्र का विशेष कुछ मंत्र, जैसे उच्चाटन प्रयोग में कुंजिका स्तोत्र का एक विशेष मंत्र का अनुष्ठान होता है, वशीकरण में एक विशेष मंत्र का, वो तो कॉमन मंत्र है, कॉमन मंत्र का अनुष्ठान हम लोग हर सब ज़्यादातर लोग करते हैं। हम लोग जब अनुष्ठान करते हैं सप्तशती और कुंजिका स्तोत्र को पांच करके ही अनुष्ठान करते हैं। ये ही मूल कर्म है, यही जो जानता है वही ये मूल कर्म को पकड़ के अनुष्ठान करेगा। ज़्यादातर प्रयोग जो व्यक्ति सामने आकर पूजा कभी देखा है वो जानता है जो तंत्र गुरु ज़्यादातर प्रयोग इन्हीं चीज़ को लेकर ही एक साथ मिला के ही प्रयोग करता है। तो वही चीज़, वही सिस्टम मैं आप लोगों को समझाया। ये कोई भी तांत्रिक कर्म या साधना करने के लिए गुरु का अनुमति चाहिए, तांत्रिक सिस्टम, तांत्रिक विधि से दीक्षा होना चाहिए, तब जाकर तांत्रिक कोई तंत्र कर्म साधक के या शिक्षार्थी के कोई काम में आएगा। नहीं तो हजारों साल लाखों साल कुंजिका स्तोत्र पाठ करने के बाद भी कुंजिका स्तोत्र आपके लिए कोई भी काम नहीं करेगा। ये कुंजिका स्तोत्र का अधिकार तंत्र विधि से हो सकता है। कुंजिका स्तोत्र के बारे में मैं तीसरे भाग में और ज़्यादा चर्चा और ज़्यादा आलोचना करूँगा। कुंजिका स्तोत्र का तांत्रिक संस्कार के लिए क्या हो सकता है, कुंजिका स्तोत्र का अधिकार, कुंजिका स्तोत्र का कुछ विशेष मंत्र को पार्ट बाई पार्ट, मंत्र सब इसमें ही है, पार्ट बाय पार्ट तोड़ कर मैं बताऊंगा कुंजिका स्तोत्र का शाप विमोचन आदि कर्म के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को तोड़ कर बताऊंगा। इसके लिए पार्ट थ्री में अपेक्षा करें, एक पार्ट में वीडियो बनाऊंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, मेहनत मेरा बिगड़ जाएगा। आज का वीडियो फिर भी लंबा हो गया है, आप जानते हैं जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते जानते हैं मैं वीडियो में के अंदर ना डांस किया, ना गाना बजाया, ना कॉमेडी वाला कुछ किया, जो भी किया, जो भी बोला, सब मेरे चैनल के रेगुलर दर्शकों को समझाने के लिए बोला। अब तक अगर वीडियो देख लिए, वीडियो के किसी एक कोने में लाइक का बटन शायद जा रहा है, उसमें एक लाइक करें, ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए वीडियो के नीचे कमेंट करें, जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया सही लगा, गलत लगा, बनावटी लगा, क्या लगा, कैसे लगा, नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। आज का कंटेंट को समाप्त करता हूँ, बहुत ही जल्दी फिर से एक कुंजिका स्तोत्र का नया पार्ट लेके आऊँगा। बहुत मेहनत करके ये कुंजिका स्तोत्र का इस पार्ट को मैं बनाया, अगले पार्ट भी इससे भी आकर्षित अगले पार्ट इससे भी बेहतरीन और इससे भी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तब तक मेरे चैनल पर बने रहे, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हरिओम तत्सत।